लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने, ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया, समझिए हमें। क्यों गाया मैंने गाना? इसके लिए अभी कुछ बच्चों ने मेरे से कहा था कि सर DFCCIL का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा दो या उसके ऊपर कुछ वीडियो बना दो। तो ये इसलिए गाना इस पे एकदम फिट बैठता है। क्यों, आपने नौकरी से दिल भी लगा लिया, इश्क भी कर लिया, और इसके बारे में सुन सुन के इतने वीडियो देख चुके होंगे कि आपने तारे भी गिन लिए होंगे कि वाह कितनी बढ़िया नौकरी है। सारी बातें आपने, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे पड़े हुए हैं खूब, जो आपको इसकी सैलरी, इसमें काम करने वाले एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव की लाइफ स्टाइल, सैलरी स्लिप तक दिखा रहे हैं लोग, वो सब अच्छी बात है, पर जब नींद टूटेगी ना तो समझ में आएगा कि ये सब ख्वाब है। क्योंकि जब तक तैयारी अच्छी नहीं है ना, तब तक इसमें सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि ये एग्जाम आप क्लियर कर लें, आप वो नौकरी पा जाएं जिसके ख्वाब आपने देख लिए, जिससे दिल लगा लिया, इश्क भी कर लिया और जिसके तारे भी आपने गिन लिए। तो वही सारी बातें करने के लिए अपन ये इकट्ठा हुए हैं आज। तो मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताऊंगा और इसके आगे क्या स्ट्रेटेजी रखनी है वो बारे उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है फॉर्म भरने के लिए। काफी सारे बच्चों ने भर दिया होगा जो तैयारी कर रहे हैं लगातार, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो इसी उलझन में होंगे फॉर्म भरे नहीं भरे, क्योंकि 900-1000 रुपए का फॉर्म है, एग्जाम देने भी जाना पड़ेगा। और जून में ही एग्जाम की टेंटेटिव डेट आई है नोटिफिकेशन में, और वो डिपेंड करेगा कि जून में जो ये एग्जाम होते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, CBT एग्जाम है, और पिछले साल भी ये पिछली बार जब हुआ था 2018 में तो 3 दिन चला था, तो वो 3 दिन के लिए कहीं पे कंप्यूटर सेंटर्स अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, लॉकडाउन की स्थिति क्या होगी पूरे इंडिया में, क्या सिचुएशन होगी, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि जून में होंगे नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ये तो तय है कि अगर आप मई में फॉर्म भर रहे हैं, मिड मई में फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, तो जुलाई अगस्त तक तो ये जाना चाहिए। तो 2-3 महीने तो आपको मिलेंगे रिविजन के। ये एग्जाम ऐसा है कि मैं इसके लिए तैयारी तो बोल ही नहीं सकता, इसके लिए तैयारी तो साल भर पहले की चाहिए। रिवीजन के आपको 2 से 3 महीने हो सकता है कि मिल जाएं, और अगर जून में ही हो गया तो 1 महीने से ज़्यादा रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो पहली अंडरलाइन जो DFCCIL के नीचे मैं खींचना चाहूँगा वो ये कि जो लोग लगातार तैयारी करते हुए आए हैं, कर रहे हैं, अब तक बार बार एग्जाम दे रहे थे, ये एग्जाम उन्हीं के लिए ही है। और अगर निकल गया तो ये चीजें बहुत, आपके गिने हुए सारे तारे, आपका इस नौकरी से किया हुआ इश्क सब सफल हो जाएगा, अगर हो गया सिलेक्शन तो। और वो सिलेक्शन तभी होगा जब आप लगातार अब तक तैयारी कर रहे हैं। तो पहले थोड़ी सी पुरानी बात कर लेते हैं, क्या इसको बाद में देखना बॉन्ड पॉलिसी को। सबसे पहले लाइफ स्टाइल और सैलरी दोनों बढ़िया हैं, रेलवे के PSUs में सबसे बेटर है DFCCIL आज की तारीख में। नया PSU है, ग्रोथ अच्छी है, नियम सब बने हुए हैं। जो नया PSU होता है उसमें ज्वाइन करने का फायदा ये रहता है कि आपको ग्रोथ अच्छी मिलती है, प्रमोशंस टाइम से होंगे, क्योंकि आगे सीनियर ज्यादा है ही नहीं लोग, तो प्रमोशंस टाइम से होंगे, ऑफिस कल्चर अच्छा है, काम अच्छा है। और आप अगर जैसे डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो एग्जीक्यूटिव पे जा रहे हैं, ITI होल्डर है तो जूनियर एग्जीक्यूटिव जा रहे हैं, और BTech से अगर जा रहे हैं तो जूनियर मैनेजर लेवल पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ, सैलरी, ग्रोथ, वर्क कल्चर सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। एक जो जगह जगह लोग, मैंने भी वीडियोस देखे हैं, लोगों की बातें भी सुनी है कि बॉन्ड पॉलिसी बड़ी बेकार है इसकी। अरे तो भैया वो नौकरी लगेगी जब, तो बॉन्ड की चिंता करोगे, और बॉन्ड की चिंता करके एग्जाम नहीं दोगे या फॉर्म नहीं भरोगे तो उससे बढ़िया बेवकूफ़ी और वाली बात और कोई हो नहीं सकती। बॉन्ड की चिंता जब करी जाती है जब नौकरी लग जाती है, जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक बॉन्ड की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बॉन्ड की चिंता ज्वाइनिंग के टाइम पर करेंगे, अभी हमें एग्जाम निकालने की चिंता करनी है। तो ये तो बात हुई नौकरी के बारे में। पिछले साल की अपन, पिछले बार की जो 2018 का मैटर था, 2018 का जो एग्जाम था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टोटल सीट्स जो थी इलेक्ट्रिकल की, अगर मैं बात करूं लगभग सभी डिपार्टमेंट में प्रोपोर्शनलिटी आप देख सकते हैं, 39 पोस्ट थी, और इस बार की अगर आप देखेंगे तो 42 पोस्ट है, लगभग बराबर है। तो आप ये मान लीजिए कि सीट्स वाइज
लगभग बराबर सिचुएशन है, पर कैंडिडेट वाइज अभी सिचुएशन थोड़ी सी टफ होगी, कैंडिडेट ज्यादा हैं। पिछली बार अप्लाई किया था 24,700, लगभग 25,000 लोगों ने अप्लाई किया था और अपियर हुए थे लगभग 17,000, यानी 8,000 तो वही नहीं आए। अगर 8,000 एग्जाम देने नहीं आए, यानी यहाँ पर कितने 1/3 लोग एग्जाम देने वाले, कितने थे? सिर्फ 2/3 लोग थे, इतने ही आएंगे अभी भी, ज्यादा नहीं आएंगे और कम आएंगे बल्कि। तो जितने लोग फॉर्म भरेंगे उसमें से आप ये मान लो इस बार 2/3, नहीं तो मतलब 30% एबसेंट की जगह 40 से 45% एबसेंट मान सकते हो आप इस बार। तो अपियर होने वाले बच्चे लगभग उतने ही रहने वाले हैं, क्योंकि अप्लाई करने वाले बढ़ जाएंगे थोड़े से इस बार। तो पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो 25,000 में 17,000 एग्जाम देने आए थे, और कट ऑफ कितनी गई थी जनरल की बात करूं तो 120 में से 102, बहुत ज्यादा ही है। और क्यों है बहुत ज्यादा? क्योंकि यहाँ देखो आप 85% कट ऑफ जा रही है। और भी अगर मैं अदर कैटेगरीज की बात करूँ, जैसे एससी में 92.5 गई है, एसटी में 95.75 गई है, ओबीसी में 101.5 गई है, ये मतलब सभी 100 के आसपास है, तो ये 80 खास अच्छी खासी कट ऑफ जा रही है। मैंने इसीलिए कहा था कि इसमें एग्जाम में लगातार तैयारी की जरूरत है। क्यों कह रहा हूँ मैं, इसका आधार है वो रे, ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो 102 अगर कट ऑफ जा रही है जनरल की, अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी में, तो आप अभी टारगेट लोगे तो 105 का तो लेके चलोगे ना। 105 का टारगेट लेने का मतलब है कि आपके पास कितने क्वेश्चन बचे, 120 में से 120 में से 15 क्वेश्चन बचे। अब इस 15 में से मान लो आपके 3 सही हो जाते हैं, इस 15 में से जो बचे हुए क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये तो सही होने चाहिए, इतने तो चाहिए ही हमें नंबर। 15 में से अगर 3 सही हैं तो इन 3 के करस्पॉन्डिंग आप कितने गलत कर सकते हो, क्योंकि 1/4 की तो नेगेटिव मार्किंग है। तो इन 3 को अगर आप सही कर देते हो तो इनके साथ आप 12 रॉन्ग भी कर सकते हो, क्योंकि 12 जो आप गलत करोगे उनसे जो नेगेटिव होएगा ये दोनों बराबर कर लेंगे एक दूसरे को, तब जाके आपके पास 105 सही रहेंगे। यानी कि आपको 120 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से आपके पास 12 गलत करने का मार्जिन है। या तो आप एक भी गलत मत करो और सिर्फ 105 सही कर दो, ये बड़ा टफ काम है, ये टिपिकल काम है कि आप एक भी गलत ना करें और 105 सही कर दें। मतलब अगर आप एक सही कर देते हैं 105 के ऊपर, तो एक के साथ 4 सही, 4 काउंट कर लो, यानी 110 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो 4 गलत करने का आपके पास मार्जिन है। आप 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 8 गलत करने का मार्जिन है, और 120 अटेम्प्ट करते हो तो 12 गलत करने का मार्जिन है आपके पास। तो एक बात तो आप ये गांठ बांध दो अपने कि अगर ये पेपर भर दिया है फॉर्म और देने जाना है तो क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना, 120 के 120 करके ही आना है, क्योंकि 10-12 तो गलत होंगे भैया। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है, स्क्रीन पे देखना है, नीचे कागज में रफ पेपर पे काम करना है, इधर उधर देखना है, दिमाग लगाना है, गलती तो होगी। और अगर आप मान लो 105 ही अटेम्प्ट करके आए और इसमें भी गलत हो गए तो सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि कट ऑफ 102 के आसपास तो रहने वाली है, और 105 का टारगेट करोगे तब 100, 101, 102 आएंगे। तो पहला स्ट्रेटेजी का पहला स्टेप क्वेश्चन पूरे करके आने हैं 120 के 120, और गलत करने का मार्जिन बता दिया मैंने आपको, 12 क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन तब भी हो जाएगा, पर 12 क्वेश्चन गलत करने का मार्जिन तब है जब 120 करके आओगे, ठीक है? तो 105 का टारगेट लेके चल रहे हैं अपन, और ये मान रहे हैं कि टोटल करेंगे 12 गलत हो जाएंगे, 3 उनको कंपनसेट कर लेगा, तो ये 105 मार्क्स लाने कैसे हैं? तो सबसे पहली बात अपन थोड़ा सा ब्रेकअप देख लेते हैं, जो सीबीटी टेस्ट होगा पहला, इसके बाद एक सीबीएटी टेस्ट और होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, हालांकि वो हर पोस्ट के लिए नहीं है, वो आप देख लेना नोटिफिकेशन में किस पोस्ट के लिए है, पर जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाला है डिप्लोमा का एग्जाम, उसमें जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल है उसमें सीबीएटी नहीं है, उसमें जो सीबीटी है, तो सीबीटी जो अपना एक एग्जाम है उसमें क्या है, 24 क्वेश्चन तो आएंगे आपके नॉन टेक्निकल पार्ट से, 96 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल पार्ट से, ऐसा ही अदर जो ब्रांचेज है उनमें भी होगा, टेक्निकल है तो इलेक्ट्रिकल वाले सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं मैंने। अब ये भी इनके सिलेबस में गिवन है,
अपनी मर्जी से नहीं लिखे हैं, नोटिफिकेशन में सिलेबस में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। 24 में से 3 जीके, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इन तीनों ही लिख, ये तीनों ही लिख दिए सिलेबस में। अब अगर मैं बराबर बराबर भी मान लूं, जबकि ये वेरिएशन भी हो सकता है, पर मैंने ठीक है तीन उन्होंने दिए हैं तो 24 में से तीन तीन आठ आठ क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि तीनों के आ जाए। और इधर 96 है, 96 में इन्होंने सिलेबस में 1 2 3 4 5 6 तो स्पष्ट लिख दिए सब्जेक्ट, और एक रेस्ट एटसेट्रा और लिख दिया एंड में कि बचा हुआ सब अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। खैर, तो अब इनमें अपन को कैसे टारगेट करना है कि अपन के 105 आ जाएं, तो वो टारगेट करने का तरीका यही है दोस्तों कि यहां पर 96 में से 85 आपको लाने ही पड़ेंगे और इधर 20 24 में से 20 आपको लाने पड़ेंगे। अब ये आपको देखना है कि आपकी स्थिति कैसी है। स्थिति कैसी है मतलब कि भाई एप्टीट्यूड और रीजनिंग में अगर हम कच्चे हैं, देखो जीके तो कच्ची पक्की होती नहीं है, जीके तो अथा सागर है, जीके तो इतनी है कि आप कितना ही पढ़ लें उसके बाद भी आठों के आठों क्वेश्चन ऐसे आपको लग सकते हैं कि हमें नहीं आते। उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं कि आपको वहां 8 में से 4 तो लाने ही लाने हैं, यानी कि आपको 8 में से 8 या पूरे लाने हैं, 8 में से 8 या पूरे लाने हैं, और यहाँ आप 8 में से 4 का टारगेट कर सकते हैं, तब जाके आपके वहां 20 आएंगे 24 में से। और ये बात ध्यान रखना, अगर यहां से आपके 5 नंबर भी कम हुए तो 96 में से 90 लाने हैं, या और मार्जिन घट गया। मैंने ये इसी तरह से सेट किया है टारगेट कि यहाँ 24 में से 20 लाए जा सकते हैं, यहाँ 96 में से 85 लाने लायक हैं, ये प्रैक्टिकल बात है, मतलब ये लाई जा सकती है। पर अब अपना अपना उसमें थोड़ा सा इनपुट आपको यह डालना है कि भाई आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, इधर वाला या इधर वाला। अगर आपका इधर वाला स्ट्रांग है तो 96 में से टारगेट बढ़ा लेना, अगर आपका इधर वाला एरिया स्ट्रांग है तो आप इसको और प्रैक्टिस करना ताकि आप 24 में से 24 का टारगेट कर सको। पर 24 में से 24 नहीं आएंगे, मतलब ये कॉमन सेंस है, पर अटेम्प्ट हमें सारे करने हैं वो मैं बोल चुका हूँ। टारगेट ये रखना है कि गलत जो मुझे गलत करने हैं या छोड़ने हैं वो किस प्रकार करने हैं। तो 96 में से 85 मार्क्स इधर आने चाहिए इलेक्ट्रिकल साइड पे, टेक्निकल साइड पे, और 24 में से 20 मेरे को इधर लाने हैं। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग, अगर आज की तारीख तक आपने एप्टीट्यूड और रीजनिंग की 1,000 1,200 1,000 1,200 क्वेश्चन नहीं किए हैं दोनों के, वो भी अलग अलग प्रकार के, ऐसा नहीं कि एक ही तरह के पिक्चर परसेप्शन वाले या मिरर इमेज वाटर इमेज वाले, मैंने तो कर रखे हैं सिर्फ 500 क्वेश्चन, रीजनिंग तैयार है मेरी, नहीं है तैयार इनका। अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो इन्होंने बकायदा लिख दिया एप्टीट्यूड में क्या क्या, रीजनिंग में क्या क्या, जीके में क्या क्या, बहुत भारी सिलेबस है और उसमें से क्वेश्चन आएंगे मात्र 8। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी तक इसके 1,000 1,200 क्वेश्चन नहीं कर चुके हो, एप्टीट्यूड के 1,000 1,200 1,500, रीजनिंग के 1,500 क्वेश्चन, जीके अगर आप लगातार नहीं पढ़ रहे हो, अखबार रोज लगातार नहीं पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स रोज नहीं पढ़ रहे हो, तो इस पेपर को मत भरना, 1,000 रुपये वेस्ट होंगे। और अगर आप ये सब कर रहे हो, अभी तक लगातार कर रहे हो, तो इस पेपर को छोड़ना मत, फॉर्म भरना, क्योंकि फॉर्म तो लगातार भरने चाहिए, पर उस लगातार फॉर्म भरने के साथ साथ लगातार तैयारी भी चलनी चाहिए। अपने पर्सनल अनुभव से बोल रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, उससे कई ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, उन बहुत सारों में से कईयों में सिलेक्शन भी हुआ है, वो कईयों के सिलेक्शन के बाद काफ़ियों के इंटरव्यू भी दिए हैं, और काफ़ी इंटरव्यू देने के बाद कुछ एक में मैं सिलेक्ट भी हूँ। उन सबका निचोड़ है ये कि एग्जाम तो देने हैं, लगातार देने हैं, पर तैयारी भी लगातार चलनी चाहिए। पर डिप्लोमा की स्थिति मुझे पता है, बच्चे आप लोग क्या करते हो कि एग्जाम निकलेगा, फॉर्म निकलेगा, फिर हम फॉर्म भरेंगे और फिर हम इंतजार करेंगे कि एग्जाम डेट कब बोली जाएगी। जब एग्जाम डेट बोली जाएगी तब हमारे अंदर बिजली दौड़ेगी, तब हमारे अंदर करंट बहेगा, तब हम भगेंगे इधर उधर, अरे किताब ले लें, इससे पूछ लें, उससे पूछ लें, हमारी तैयारी करा दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं होएगा ऐसे, नहीं होता सिलेक्शन, और इस तरह के एग्जाम में तो कतई ही भी नहीं होएगा भाई। तो जो लोग लगातार तैयारी नहीं कर रहे हैं अब तक और अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो इसको भरने की मत सोचना, जिन्होंने भर दिया है वो पीछे मत हटो अब। और जो लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि 50% लगभग एबसेंट रहने वाले हैं इसमें, फॉर्म भरने वाले लगभग इतने ही होंगे, 25-30 हज़ार मान लो, तो 30 हज़ार 40 हज़ार भी फॉर्म भरते हैं तब भी 20 हज़ार ही अपियर होंगे
17 से कितने, 3 गुना ही तो बढ़े, 3 सीटें भी बढ़ गई इधर। अब आप बोलोगे कि सर 3,000 बढ़ रहे हो और 3 सीट से कंपेयर कर रहे हो, पर इतनी निकलती है भैया वो सीटें, नौकरी भी तो छप्पड़ फाड़ है। तो जो लोग फॉर्म भर चुके हैं वो जी जान लगा दो, और जो लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं तो वो दिन रात एक कर दो, बहुत अच्छा मौका है उनके लिए। करना क्या है आपको, हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 1,000 क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बुक्स हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, पीडीएफ भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन सर्च करोगे खूब क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, तैयारी वैसे ही करनी है आपको। आप रोज प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन 100, 100, 200 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करो सुबह शाम, उसको एग्जाम की फॉर्म में प्रैक्टिस करो। किताब लेके टांगे ऊंची करके मत बैठो कि भाई मैं पढ़ता जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, उससे तैयारी नहीं होगी। मैं जिस तरीके की बात कर रहा हूँ उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखें कि भाई ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है, और वैसे ही तैयारी करने में जुट जाएं, ठीक है। और इसके अलावा फिर मैं भी कुछ क्वेश्चन डाल दिया करूंगा और उनको डिस्कस भी कर लेंगे अपन। तो अगर आप लोगों को रोज एग्जाम देने के लिए क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, तो कौन सी किताब है, जेबी गुप्ता, वो जेबी गुप्ता के क्वेश्चंस मैं डाल दिया करूँगा पीडीएफ बना के। रोज एक पीडीएफ आप सॉल्व करिए और उस पीडीएफ को अपन डिस्कस करेंगे, पर एग्जाम की तरह कैसे करना है, क्या करना है, वो 6 स्टेप प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, जरूर देखना, ठीक है। तो ये सारी बात है, मोटी मोटी 2-3 बातें फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन 120 पूरे करके आने हैं ताकि 12 क्वेश्चन गलत होने का मार्जिन मिले। जिनकी तैयारी साल भर की नहीं थी, लगातार नहीं पढ़ रहे थे, फॉर्म मत भरना। जो लोग भर चुके हैं और जिनकी तैयारी लगातार है, उन दोनों को जी जान लगानी है, और जिनकी तैयारी चली रही थी वो तो लग जाए धार पर, अच्छा मौका है, नौकरी बढ़िया है। तो पूरा प्रयास करें और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ और उनके डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।